Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. In previous classes we discussed about exercise 1.2. Today we start exercise 1.3. Okay students, our first question. Compare each pair of numbers. Put आगे साइन है ओके स्मॉलेस्ट साइज कौन सा साइन आएगा स्मॉलेस्ट साइज तो ये वाली साइड आती है ओके और जो नंबर की ग्रेटेस्ट साइड ये वाली साइड आएगी ओके ये साइन आपको यूज करना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ठीक है तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो एक साइड तो दे रखा है 2618 और एक साइड है 84 तो जितने एक नंबर में जितने ज़्यादा डिजिट होंगे इसमें 4 डिजिट है फर्स्ट वाले में और इसमें 2 डिजिट है 84 में तो जितने ज़्यादा डिजिट होंगे ना उतना ही नंबर बड़ा होगा ठीक है तो इसमें 4 डिजिट है तो ये बड़ा होगा 2 डिजिट वाले से तो साइन कैसे आ जाएगा ये ऐसे स्मॉलेस्ट साइज ये आएगी और ग्रेटेस्ट साइड ये आएगी ओके सेकंड में बताओ बिगेस्ट कौन है स्मॉलेस्ट नंबर कौन है इसमें कितने डिजिट है 4 इसमें 3 साइन कैसे आएगा फिर ये कौन ये हो गया स्मॉलेस्ट डिजिट और ये हो गया ग्रेटेस्ट डिजिट ओके तो स्मॉल वाली साइड साइन ऐसे आ जाएगा ओके स्टूडेंट्स फोर्थ वाले में इसमें 4 डिजिट है और इसमें भी 4 डिजिट फिर क्या करोगे साइड लेफ्ट साइड से लिख के ये देखो फर्स्ट वाले में क्या है लेफ्ट साइड से 4 है और इसमें भी 4 है लेफ्ट साइड से सेकंड डिजिट 9 है और इसमें भी 9 है दोनों सेम थर्ड डिजिट इसमें 9 और इसमें भी 9 4 डिजिट इसमें 5 है और इसमें 7 है तो फिर जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसकी साइड क्या आ जाएगा ये वाला साइन ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट 6 क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन में क्या होगा आप बताओ सिक्स वाले में आएगा डिजिट देखो पहले सेम डिजिट है इसमें भी 4 इसमें भी 4 फिर लेफ्ट साइड से लगोगे इसमें 2 है इसमें भी 2 है इसमें 7 है इसमें भी 7 इसमें 1 इसमें भी 1 फिर इसमें 6 आ गया और इसमें 3 आ गया स्मॉल वाला कौन सा है ये पहले 3 डिजिट तो सेम है दोनों के 271 और 271 और 4 वाला डिजिट इसका 6 है और इसका 3 है तो स्मॉल कौन सा है 3 वाला स्मॉल है ना 36 से स्मॉल होता है तो फिर इस पूरा का पूरा डिजिट स्मॉल हो जाएगी और इस साइन कैसा आ जाएगा ये ऐसा स्मॉलेस्ट साइज देन यूज दिस साइन ओके इस तरह से आपको ये पूरे के सभी पार्ट कंप्लीट करने हैं ऐसे पहले डिजिट देखो कितने सेम डिजिट है तो उनका लेफ्ट साइड से लोगे फिर 11 जो डिजिट है उसका मैच करोगे इसमें 12 वाले में पूरे में 4 डिजिट है और इसमें भी 4 डिजिट है ओके फर्स्ट वाला डिजिट लेफ्ट साइड से 3 है और इसका 4 है तो इसका यहीं पे पता लग जाएगा इसमें स्मॉल वाला कौन सा है ये क्योंकि इसमें फर्स्ट डिजिट है वो 3 है और इसका 4 है तो ये क्या हो गया ये कैपिटल हो गया इससे और ये स्मॉल साइन कैसे आ जाएगा ऐसे और टेंथ वाले में
इसमें फोर डिजिट है, इसमें भी फोर डिजिट है। फर्स्ट वाला इससे वन से स्टार्ट हो रहा है और ये टू से, स्मॉल कौन सा हो गया ये, तो ऐसे साइन आ जाएगा। ठीक है, आपको ये 12 के 12 पार्ट ऐसे करने हैं। पहले डिजिट देखोगे और फिर लेफ्ट साइड से नंबर देखोगे। ओके, फर्स्ट आपका पार्ट कंप्लीट। सेकंड वाले में क्या करना है, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड टिक द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। ठीक है, तो आपको सर्कल लगाना है जो स्मॉलेस्ट नंबर है इन चारों में। फर्स्ट वाले में 4370, सेकंड 3740, फिर 7304, फिर 7403। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है पहले ये बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। पहले तो ये देखो, डिजिट सभी में 4-4 है, इसमें भी 4, इसमें भी 4 डिजिट, इसमें भी 4, इसमें भी 4। ठीक है, और फिर अब देखो लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 7 है, इसका भी 7 है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 7 वाले तो नहीं होंगे इसमें, 7 वाले तो बड़े होंगे। 4 और 3 में 3 वाला सबसे स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जो नंबर है उसके आप सर्कल लगा दोगे ऐसे। ठीक है, और अब लार्जेस्ट देखो, लार्जेस्ट 7, दोनों के 7-7 है, तो सेकंड नंबर देखो, इसमें 3 है और इसका 4 है सेकंड नंबर, तो 3 कौन सा बड़ा होगा फिर ये। तो जो बिगेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर है उसके ऐसे साइन लगा दोगे राइट का। ओके, स्मॉलेस्ट है उसके तो ऐसे सर्कल लगाना है आपको, ये स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है तो इसके सर्कल, और इस और ये ग्रेटेस्ट है तो इसके ऐसे टिक का साइन। ओके, इसी तरह देखो आप सेकंड में, सेकंड में स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, ये सभी में कितने कितने डिजिट है पहले ये बताओ। सभी में 4-4 डिजिट है। ठीक है, अब इसके राइट लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट देखो, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका भी 3, तीनों का 3 है ना। तो फिर सेकंड वाला डिजिट देखो तीनों में, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 0 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 0 वाला, 3-0 ये वाला, जिसमें सेकंड डिजिट 0 है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट जो स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड से 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4289। ओके, तो इसमें ऐसे राइट का साइन लग जाएगा और इसके सर्कल लग जाएगा। तो इस तरह आपको बी वाले पार्ट कंप्लीट करने हैं। आपको इसमें स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर ऐसे साइन लगाओगे डार्क सर्कल, और जो ग्रेटेस्ट नंबर है उनके ऐसे टिक करोगे। ठीक है, और डिजिट सेम है, सभी के सेम है, 4-4 डिजिट है, तो लेफ्ट साइड से लगोगे और उनमें डिजिट देखोगे, स्मॉल वाला डिजिट कौन सा है, लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है। तो ऐसे 6 के 6 पार्ट करने हैं आपको। सी में क्या है, क्वेश्चन नंबर सी, री राइट द नंबर इन इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को और भी क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं और असेंडिंग। इंक्रीजिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्मॉल नंबर से बिग नंबर की ओर जाता है ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखा जाता है, फिर उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ऐसे। ठीक है, जैसे पहले 3 हो गया, फिर उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, स्मॉल नंबर से
ग्रेटेस्ट नंबर तक, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसकी डेफिनेशन देखो पहले। असेंडिंग ऑर्डर, ए गिवन सेट ऑफ नंबर आर अरेंज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, एक ऐसा नंबर का सेट जिसको ऐसे अरेंज किया हो कि स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर, जैसे इसमें देखो 10, पहले 10 आ गया, फिर 15, फिर 20 और फिर 25, कैसे चल रहा है, स्मॉल नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर तक, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर इससे अपोजिट होता है, ठीक है। देखो उसकी डेफिनेशन, ये राइट करोगे नोटबुक में डेफिनेशन, ये वाली असेंडिंग ऑर्डर की है ये, और ये नंबरिंग लिखोगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। ए गिवन सेट ऑफ नंबर आर अरेंज्ड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ओके, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर से, बड़े से छोटे की तरफ, देखो सबसे बड़ा कौन सा इसमें 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, ये ऐसे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, वापिस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सी पार्ट, री राइट द नंबर इन इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन सा देखना है, पेन स्मॉल नंबर, ए वाले पार्ट में स्मॉल नंबर कौन सा है। स्मॉल नंबर देखने की पहचान मैंने आपको बताई है कैसे देखना है। डिजिट इसमें देखो, पहले वाले में 4 डिजिट है सारे, फिर आप लेफ्ट साइड से लगोगे, इसमें 1 है, इसमें 1 और इसमें भी 1, इसमें भी 1, ठीक है। फिर सेकंड नंबर, सेकंड जो डिजिट है उसको देखोगे, इसका 9 है, फर्स्ट वाले का इसका 5 है, इसका 2 है, इसका 9 है। तो सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा है सेकंड में, 2 है ना सबसे स्मॉल, तो ये वाला जो नंबर है वो सबसे स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। और ये सबसे स्मॉल है तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको सबसे पहले लिखेंगे, ये आ गया 1259, ये सबसे पहले आ गया क्योंकि ये सबसे स्मॉल नंबर है और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे स्मॉल नंबर पहले लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद में इससे बड़ा देखना है, जो स्मॉल नंबर से बड़ा, स्मॉल नंबर से बड़ा सेकंड डिजिट इसका 5 है सेकंड डिजिट, बाकी इन दोनों का 9 है, इसलिए ये दोनों इसके बाद आएंगे, इसलिए सेकंड में ये आ जाएगा, यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिखोगे ऐसे। फिर थर्ड 19, ये दोनों रह गए ना, तो इनके नंबर मैच करोगे पहले लेफ्ट साइड से, इसके फर्स्ट टू नंबर है सेम है दोनों के, 19 और 19, फिर इसके बाद में इसमें 5 आ जाता है थर्ड जो डिजिट है वो, और इसका 2 आ जाता है, तो ये इससे स्मॉल है ये, तो थर्ड नंबर पर ये आ जाएगा। और लास्ट में सबसे जो ग्रेटेस्ट डिजिट रह जाएगा वो है ये वाला, और इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे इसके बाद। ओके स्टूडेंट, इस तरह आपको ये करने हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, सबसे पहले स्मॉल नंबर, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे। डी वाले पार्ट में क्या करोगे, रीराइट द नंबर इन डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बिल्कुल इससे सी वाले से अपोजिट है, इसमें सी वाले में हमने क्या किया था, सी वाले में जो सबसे स्मॉल नंबर है वो सबसे पहले लिखा था, फिर उससे बड़ा ऐसे सबसे लास्ट में सबसे जो बिगेस्ट नंबर है वो लिखा था, इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन से हैं, पहले 1 से लेफ्ट साइड में देखो, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 7 से, ये 2 से और ये 6 से, तो सबसे बिगेस्ट नंबर हो गया ये, सबसे बिगेस्ट होगा ये 7, जो 7 से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, और फिर ये 6 वाला, और फिर उसके बाद में ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर 2 वाला आएगा, और सबसे स्मॉल नंबर इसमें सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है।
असेंडिंग ऑर्डर में तो हमने सबसे स्मॉल वाला सबसे पहले लिखा था, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे जो स्मॉल नंबर है वो सबसे लास्ट में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर? तो इस तरह आपको इसके सारे पार्ट करने हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, सभी में 4 डिजिट है, इसके 3 डिजिट है, ये सबसे स्मॉल नंबर हो गया, और स्मॉल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लास्ट के अंदर। सबसे बड़ा कौन सा इसमें कैपिटल है? ये 5430। तो इसको सबसे पहले, जो बिगेस्ट नंबर है उसको सबसे पहले, ओके। और फिर इसके बाद में ये 4350, देन वी राइट 3450 एंड नेक्स्ट 345। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम ऑल। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह एक्सरसाइज 1.3 के सभी पार्ट आपको कंप्लीट करने हैं, 4 के 4। इट्स योर होमवर्क, स्टे होम, स्टे सेफ।